It's not? Oh yeah, it's, oh yeah, it's coming. Sports. कहाँ भगीरथ जी? भगीरथ जी कहाँ है? डॉक्टर भगीरथ? अरे उनको आगे आने जो जो प्रश्न करते हैं थोड़ा सा पीछे हटो। आप कहाँ गए? आपके डॉक्टर है दांत वाले? दांत के डॉक्टर आपका? अच्छा, कैसे? ठीक है, आप ठीक है? आप कैसे हैं? हैं ठीक, आपके वजह से दांत अभी पूरे ठीक है, इसलिए आपको धन्यवाद। बैठो बैठो बैठो। भगीरथ जी आपका कुर्सी दो, आपको चेयर लग। भाई तीन डॉक्टर हैं। सदगुरु और गुरु कथित जो होते हैं उसमें क्या अंतर और भेद नजर आता है बाहरी दृष्टि से? करें सदगुरु और ऐसे गुरु के बाहरी दृष्टि में क्या फर्क है? आए? कोई एक सदगुरु है और कोई ऐसे गुरु है, दोनों में बाहरी दृष्टि से क्या फर्क है? यथार्थ गुरु अंततम मध्यम अधिकारी होगा और मध्यम अधिकारी के जो गुण हैं उसमें हो, असत गुरु में वह नहीं हो। अंततम मध्यम अधिकारी वैष्णव सत तत्वों को जानता है, कुछ कुछ अनुभूति भी है थोड़ी थोड़ी भावावस्था तक का, और असद्गुरु में ये सब कुछ नहीं, वो जानते ही नहीं है ये भक्ति क्या है। यही लक्ष्य जो आम गुरु नजर आ रहे हैं उनके पीछे पूरी बहुत जनता भी लगी है और वो शास्त्रों से भी बात करते हैं, रूप गोस्वामी की भी बात कर लेते हैं। अभी कोई सिनेमा की स्टार वो क्या है वो आ जाए देखने के लिए लाखों आदमी जुट जाएंगे, उससे कुछ नहीं है आदमी जुटने से। अभी सुने हैं कि
बम्बई का गाने वाला कोई आया था, विनोद अग्रवाल, और 10,000 की फौज जुट गई। तो ऐसे ऐसे बहुत उनको न तो कोई तत्व ज्ञान है, न वो जानते हैं, न भक्ति से उनका कोई संबंध है। पैसा दे दो नचा दो, बस पैसा फेंको तमाशा दे दो। महाराज जी, उस समय हमने देखा कि बहुत लोग भाव में नाच रहे हैं। हम किसी ने हमसे ये पूछा कि इन लोगों की कोई सुकृति होगी इस वक्त कृष्ण नाम लेने में, तो हमने कहा ये हो सकता है क्योंकि वो हमारे गुरु के अनुगत्य में इस मठ में तो आ गए अनजाने में, और अब यहाँ पे वो कृष्ण नाम ले रहे हैं, वो सुकृति शायद हो जाए। ये बात क्या पूछ रहे हैं कि जब गान हो रहा था लोग नाच रहे थे, उनको किसी ने पूछ के साथ में नाच रहे थे। नहीं नहीं नहीं, वो कृष्ण नाम कर महामंत्र करके सबको नचा रहे थे, तो किसी ने पूछा सुकृति होगी, तो रविंद्रनाथ प्रभु ने बताया तो अनजान में तो मठ में आया, गुरु जी का स्थान है, ठाकुर जी जरूर कुछ सुकृति होगी उनकी, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी तो जो नचा रहा है उसकी भी सुकृति हो। तो गा रहा था तो लोग नाच रहे थे। सुन रहे हैं उसके दीवाने एक हैं, जो संग हम मठ प्रतिष्ठा होगी उसके लिए बुक कर दिया है, उस एक आर का कौन है दीवान? उधर लोग इकट्ठा करना है ना, उधर लोक संग्रह करना है ना, इसलिए बेकार का हमको कहे जी हमने बुक कर दिया है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। जो गुरु आम गुरु आपने बोले वो शास्त्र में बहुत ध्यान रखने की चेष्टा करते हैं और शास्त्र से ही बोल रहे हैं, आंखों में से आंसू भी निकाल लेते हैं, और कई बार अपने आप को चैतन्य महाप्रभु की धारा में आना हुआ कह देते हैं तो लोग उनके पीछे आ जाते हैं। ये शास्त्र ज्ञान आपने बोला सदगुरु में होना चाहिए, शास्त्र परांगत, तो ये उनको में फर्क कैसे पहचानेंगे? अरे वो शास्त्र से कोट भी करते हैं, आंख से पानी भी निकालते हैं, बोला हम कैसे पहचानेंगे उसको? आपका थोड़ा सा भी अधिकार होगा ऐसे आदमियों को भी समझ सकते। किसी ने आपको ये पूछा? ऐसे मायावादी हैं, वृंदावन में, वृंदावन नहीं गोकुल में, वो मठ स्थापन करके राधा कृष्ण की भी मूर्ति की पूजा करते हैं किंतु मानते हैं शिव को। हमने इस बार मथुरा में वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनको पत्र लिखा, जो आदमी शिव का भक्त है भक्ति से उसे छू मंतर संबंध नहीं है, जो काली की पूजा करता है वो जन्मभूमि में जब मंदिर में अभिषेक कराने का अधिकारी नहीं है जन्माष्टमी के दिन, और अयोध्या के जो महंत है, क्या कोई है जो महंत है, जो महंत है राम उपासक है, वो वहाँ के महंत हैं, उनसे राम का संबंध है, कृष्ण से संबंध नहीं है, कृष्ण को भगवान नहीं मान करके राम को ही मानते हैं,
या राम और कृष्ण दोनों ही भगवान हैं। वो अभी आदमी अधिकारी नहीं है, कोई कृष्ण भक्त भागवत और गीता को मानने वाला हो तो वो प्रतिष्ठा करे, अभिषेक करे। ये लोग पीछे से ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं, हैं? अभिषेक करते हैं, अभिषेक करते हैं, लाइव टीवी में उनको चेहरा दिखे। ये वैष्णव विधि नहीं है। फिर आप लोगों की जो इच्छा सो की, और हमको नहीं कुछ, वैसे ही होता है। किसी ने आपको पूछा था कि असदगुरु को हम कैसे पहचानेंगे, तो आपने बताया, श्री कृष्ण ने बताया, ददामी बुद्धि योगम जिनमंग को जानती थे, कोई भगवान चरण प्रार्थना करने पर भगवान बुद्धि देते हैं पहचान के लिए। स्वामी जी ने पूरे संसार में प्रचार कर दिया। उनकी जीवनी में लिखा है 40 रुपए लेके वो गए थे और पूरे संसार में उन्होंने प्रचार कर दिया। लक्ष्मी जी उस भक्त के पीछे आती हैं जो नारायण की सेवा में है। अब स्वामी जी से भी बड़ा एक मंदिर वृंदावन में आ गया और लोग कहते हैं यही वृंदावन से यहीं पर दर्शन करके लोग वापिस चले जाएंगे, इतना बड़ा मंदिर आ गया है। बरसाना में भी बहुत बड़ा मंदिर आ गया है। और ये सदगुरु के लक्षण ना होने पर भी ऐसा कैसे हुआ? श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी विदेश में प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। जो आजकल वृंदावन में और एक नया मंदिर आ गया है कृपालु का, बोले लोग वहीं दर्शन पर चला जाता है बरसाना में भी, बोले ये तो क्या क्या है। स्वामी जी से भी बड़ा मंदिर है बरसाना में, अब कुछ भी नहीं है इसको। वो तो वृंदावन से बाहर में है ना? नहीं नहीं, कृपालु जी वाला वृंदावन में ही है, इस्कॉन के पास है। उनसे डबल से भी ज्यादा बड़ा है, छठी करा के रास्ते में है, इस्कॉन के पास में ही है, इस्कॉन के पास। हाँ हाँ, नहीं थोड़ा थोड़ा सा पहले पहले अक्षय पात्र के बाद तो लक्ष्मी जी फिर सेवा कर रही हैं। वाइट सफेद चैतन्य विहार के बिल्कुल सामने है। चैतन्य विहार के सामने कृपालु जी अंदर नहीं है। इससे संबंध व्यापार में विदेश में गया, बूढ़ा होने पर भी पकड़ा गया और फिर रुपया उनको घूस दे करके कहा कि वैसे ही बात कोई बात नहीं, हमें तो जल से निकलते नहीं है, बूढ़ा हो गया है, हमसे भी बूढ़ा है। साफ लिखा हुआ है कि माँ प्रभु की अवतार है उनकी बुक्स में लिखा, और जो उनके शिष्य हुआ करी थी वो कहती है यही जगत गुरु है, इसके अलावा कोई गुरु भी नहीं। हम तो वहाँ से बाहर टॉपिक बदल लिया, दूसरा कुछ। महाराज जी कल आपने बतलाया था कि ये जो नासो रमण नाहम रमणी, ये एक वो अवस्था है जहाँ पर प्रेम ही नचाता है, प्रेम प्रेम ही हो जाता है, दोनों का कोई आत्म पहचान नहीं, कल वो प्रेम ही हो जाता है। पर प्रेम की अगर ऐसी अवस्था है जहाँ पर एक हो जाते हैं तो फिर ये इस प्रेम में एक हो जाते हैं शरीर से, नहीं शरीर से नहीं, शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम, लेकिन ये फिर उसमें किसी आत्मा में ये यही प्रेम विरह कैसे अनुभव होने देता है, बिछो कैसे अनुभव होने देता है, यही प्रेम विरह की अनुभूति कैसे कराता है, जबकि प्रेम का स्वरूप तो मिलन का ही है। प्रेम का दो पहलू है, प्रेम का स्वरूप तो मिलन है, तो फिर बिछो क्यों होता है? प्रेम का दो स्वरूप है, विच्छेद होता है, विच्छेद हुआ
भले ही कृष्ण पादक एकम न गच्छामि, वृंदावन छोड़ करके एक पग भी मैं नहीं जाता, किंतु अलक्ष्य प्रेम जब उस अवस्था में पहुंचता है, उसमें कहते हैं कि ना खोजी तूती आन, अब पूछो। जैसे ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए हे दूती, दूती मैंने उनका मन, पूछो श्याम से फिर बिछुड़न क्यों हुआ, कहती है पूछो। महाप्रभु जी ने उनका मुख बंद कर दिया, काजे बस करो, भविष्य बढ़ करके कुछ भी नहीं। तो बिछुड़न तो हुआ, बिछड़ना होने पर संभोग का पुष्टि भी नहीं होगी, इसलिए प्रेम के दो पहलू होते हैं, एक विरह एक विलह। कभी कभी मिलन में ही विरह होता है, ये सर्वोच्च राधा जी की स्थिति है। मिलन में भीतर का आदमी खो देता है, अंदर खोता बाहर मिलता, और विरह में उसकी चिंता करते 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 सत्समय निकट देखता है, बड़ी विकट समस्या। इसलिए नहीं पूछना चाहिए, न उनको समझने वाला है न करने वाला है। आप भी आ गए आपने आप देखा मुझे, मैं कल तो दर्शन से मना किया था, इसलिए लोग आई दर्शन हुआ ही नहीं। क्या कहती है? कल से आई है, कल से आई है उमा दीदी के साथ, उमा दीदी अपने परिकर के साथ आई है। क्या कह रही है? प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक जिस समय आपने बताया कि गुरु कृष्ण वृंदावन में ब्रज में 125 साल के बाद वापस आए और सभी ब्रजवासियों ने उनका बहुत स्वागत किया और आंसू भर भर के सब भेंटे मिले, लेकिन श्री राधा जी से उनका मिलन किस प्रकार हुआ, कहाँ मिली उनसे? ब्रज में ही, उस समय तो वो नहीं आई थी वहाँ पर। कह रहे हैं कृष्ण दंत वक्र को वध करने के उपरांत ब्रज में आए थे। हाँ? दंत वक्र को वध करने के उपरांत कृष्ण ब्रज में आए थे, सब ब्रजवासी उनसे मिले, बोले सर राधा जी उस समय कहाँ थी? राधा जी वहीं पर थी, मैं बता गोकुल में थी, वहीं पर मिली, मैं भी तो बताया, बोले कहाँ मिली, बोले वहीं पर। और सबको गोलोक वृंदावन में भेज करके कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में निकल करके द्वारका गए, आया समझ में। कृष्ण जब आए वृंदावन गए, गोपों से मिले, राधिका जी से भी मिले, और उन लोगों को वो लोग वृंदावन में भेज करके राधा इत्यादि सबको द्वारकाधीश के रूप में द्वारकाधीश।
स्वामी जी कहते हैं गोपाल चंद जी की राधा जी वहाँ नहीं आई थी रूप गोस्वामी जी कहते हैं जीव गोस्वामी जी कहते हैं गोपाल चंपू में कि राधा जी वहाँ थी नहीं, वहाँ नहीं आई, वहाँ आई नहीं थी। नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके पीछे आए हैं, उन्होंने लिखा है। ये पीछे वाला लॉ बनता है ना संविधान में, उसका अधिक मान्यता दी जाती है। ऐसे ही जी चक्रवर्ती ठाकुर बाद में आए, वो बताया नहीं थे। जीव गोस्वामी कुछ दूसरे भाव के थे, कुछ स्वेच्छा से प्रचार किया और कुछ परेच्छया, इसलिए उनकी बात मानेंगे भी नहीं मानेंगे भी। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक रूखा है, वो जीव गोस्वामी के सब विचारों का खंडन करके और परकियावाद की स्थापना की। आज वो नहीं रहते तो ये विचार ही उड़ी जा जगत में, कोई जानता नहीं। और इसलिए इसी का मैं प्रचार करता हूँ, जे कहीं ये लुप्त न हो जाए, प्रचार करता हूँ। गुरु महाराज, इसी के लिए हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं। जब रथ यात्रा में वापस रथ जाता है तो महाप्रभु उनके आगे नृत्य करते हुए जाते हैं, बोलो तो क्या भाव होता है? वो जब जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में जब गुंडीचा मंदिर से फिर नीलाचल में आते हैं जगन्नाथ जी, उस समय महाप्रभु किस भाव से जगन्नाथ जी को वापस लाते थे? मैं गोपी हूँ और उनका रथ खींच करके ब्रज में सुंदराचल में ही जा रहा हूँ, सब समय यही भाव है। कृष्ण ने ब्रज जा ये भाव अंतर, गौर प्रमानंदे। Yesterday we just couldn't talk. Yeah, I know, I'm sorry. This calls, man, this calls.